नमस्कार, द एसडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमित झा। आज बेहद ही खास मेहमान हमारे यहां पहुंचे हैं, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी। पप्पू यादव जी अपने को नेता नहीं कहते हैं, बल्कि अपने को सेवक कहते हैं। और लगातार इसमें कोई शक नहीं है कि पप्पू यादव ने जो सेवा किया था बाढ़ के समय, उसके बाद ये जनता के बीच हीरो बनकर उभरे थे। उसके बाद कोरोना संकट आया, कोरोना संकट में पहले दिल्ली में इन्होंने दिल खोलकर मदद की, अब पटना आ गए हैं। मदद भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या तमाम पार्टियों की तरह पप्पू यादव की भी नजर बिहार विधानसभा चुनाव पर है, या क्या है इनका मकसद? पप्पू यादव जो कहते हैं कि हम समाज में बदलाव चाहते हैं, राजनीति में बदलाव चाहते हैं, क्या पप्पू यादव वाकई ऐसा कर पाएंगे? क्या इनके पास प्लान है? पप्पू यादव करेंगे, बल्कि पप्पू जी को हमने यहां पर खास इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे न्यूज रूम में तमाम जो साथी जो हमारे साथ न्यूज बनाते हैं, हमारे साथ न्यूज पर चर्चा करते हैं, उनके मन में भी सवाल था कि आखिर पप्पू यादव के मदद के पीछे क्या वाकई सियासत छुपी है, या पप्पू यादव वाकई दिल से जनता की सेवा कर रहे हैं। तो तमाम जो हमारे साथी थे वो पप्पू यादव से सवाल करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या है जाप का भविष्य, क्या है पप्पू यादव की बिहार की राजनीति में क्या भविष्य है। खुद पप्पू जी हमारे साथ हैं, पप्पू जी से हम शुरुआत करते हैं और हमारे तमाम साथी भी सवाल कर सकते हैं बीच बीच में जो कि करना चाह रहे हैं। पप्पू जी, सबसे पहला सवाल, पप्पू यादव सेवक अपने आप को कहते हैं, बेटा कहते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ सेवा की भावना है, या वाकई इसके पीछे भी तमाम पार्टियों की तरह सियासत छुपी हुई है? देखिए, सबसे पहली बात तो 90 के पहले से लेकर अभी तक 90 में MLA बने, हेल्थ और एजुकेशन का जो सबसे बड़ा मुद्दा था और जो जस्टिस का मुद्दा था, न्याय का मुद्दा था, वो मेरे लिए कभी मैं उसको अलग नहीं रखा। लगातार बिहार में सेवा आश्रम, आप जानते हैं, पूरी दुनिया सेवा आश्रम को देखा है, 600-700-800 लोग, 14-14 आपको इस बात की कि देश भर के मरीज, जहाँ न जात न धर्म, एक रंजीत रंजन कोठी और दूसरी मेरी कोठी, जो समर्पित है जनता के लिए, जो इसको मैं भगवान मानता हूँ, अंतिम व्यक्ति को सबसे ज्यादा सम्मान देता हूँ, जो मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी चीज़, मैं बहुत ही गंभीरता के साथ आपसे आग्रह करूँगा कि यदि सियासत होती, आप हमको एक बात बताइए, आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार वर्चुअल रैली अरविंद केजरीवाल की जाँच हो रही है, माधोरो ज्योतिन्द्र सिंधिया जी दोनों आदमी क्वारंटाइन हो गए, कई लोग हो गए। मैं जब खौफ का वातावरण था तो मैं क्वारंटाइन, आपको कोरोना वायरस की का दिन थी और जिसके नाम पर पूरा का पूरा खौफ और डर का वातावरण था, पप्पू यादव 25 तारीख से लगातार, उसके पहले बिहार में हम सैनिटाइजर साबुन और एक एक जगह गए, और यहाँ से 23 तारीख को शाम में जाते हैं और 25 तारीख हम शुरू हो जाते हैं सेवा करना पूरा। मेरे हम दो दो तीन तीन पॉजिटिव लोग हमसे मिले, दिल्ली का कोठी को घेर दिया गया पुलिस के द्वारा, हम 10 दिनों तक नहीं मिले परिवार से, लेकिन बच्चों से नहीं मिले। मन में दुविधा थी कि क्या मेरे कारण कोई ऐसी अच्छी घटना ना घटे, तो लगातार 30-40 किलोमीटर साइकिल से मैं जा रहा हूँ, 10,000-15,000 लोगों के भीड़ में जाके अपने हाथ से 15 दिनों का किट्स बांट रहा हूँ। जब लोगों को घर से निकाल दिया गया था, बिजली पानी बंद कर दिए गए थे, किराएदार मार रहे थे, खाने के लिए सारी 5 दिनों के अंदर खपरी तक जलने की स्थिति नहीं थी, लोग लाखों लाख लोग जब चल दिए, पैर में छाले थे, आँख में आंसू थी, लाठी और आंसू गैस चल रहा था, उस वक्त गुड़गांव के बॉर्डर से लेकर के धौला कुआं के बीच से लेकर के यहाँ स्टेशन तक पप्पू यादव 40-40 हज़ार व्यक्तियों को अपने हाथ से 1,000-1,500-1,500 रुपया जेब में 10 रुपये नहीं थे उनको देने का काम किया, 7,62,000 किट देने के काम किए। तो यदि मुझे राजनीति करना होता, मैं आपसे पूछता हूँ एक बड़ा सवाल कि 700 MP और भी हैं, जब सफाई कर्मचारी
काम कर रहा था, सफाई कर्मचारी को डर नहीं था क्या? जब नर्सेस काम कर रहे थे, डॉक्टर काम कर रहे थे, पत्रकार काम कर रहे थे, पुलिस काम कर रहे थे, क्या उसको डर नहीं था? क्या पुलिस नहीं मरे? क्या अन्य लोग नहीं मरे? भूख से सफाई कर्मचारी परेशान था? ये तो हिंदुस्तान के नेता हैं। ये जो मुख्यमंत्री आज 80 दिनों से बंद है, ये जो अमित शाह जी एक पानी किसी को नहीं पहुंचाया और एटेंडा फिल्म वर्चुअल रैली से राजनीति को हम सरगर्मी दे दें 200 करोड़ की, आप वो बार बार पूरी दुनिया ने देखी 42 से बड़ी करोड़ों पांच लोग सड़कों पर थे, कुत्ता का लाश खा, कुत्ता जब एक्सीडेंट कर गया तो उसके मांस 7 आदमी खा रहे थे, बाथरूम का पानी पिया जा रहा था, 9-9 दिनों पर मोदी है तो मुमकिन है ट्रेन घूम करके 10 दिनों पर 15 दिन पर लौट रहा था, मर गए लगभग 400 से ज्यादा लोग, भूख से मरे, आत्महत्या लोगों ने की, रास्ते में कितने लोगों ने दम तोड़ दिया पत्रकारों के सामने, 6 साल का बच्चा रोता रह गया, लेके 1400-1500 बेगूसराय आने अपनों से मिल नहीं पाए, क्वारंटाइन में 42 लोगों से ज्यादा लोग आपने कर दिया, 3-3 चर्चा जगह क्वारंटाइन काट दिए गए, लाठियां चली। मैं जानना चाहता हूं, जब लाठी चल थी, जब बिजली पानी काट दिए गए थे, खाने से लोग परेशान था, क्या इस संसाधन पर जो यूथ था, जो 37 दिनों तक कोटा में सबसे ज्यादा लोग और बाप थी माँ के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, उस वक्त ये मौन थे, उस वक्त दिल्ली मौन थी, कोई भी इस कुछ कार्रवाई शुरू कर दिया आंदोलन होने के बाद, डिजिटल आंदोलन होने के बाद, लेकिन 37 दिन के बाद यहाँ के सुशासन बाबू, जिनका ब्लड डीएनए बहुत शुद्ध है और बिहार का डीएनए बहुत खराब करने वाला ये नेता, इसको बिहार के डीएनए का दर्द नहीं होता है, उन्होंने 37 दिन बोला कि अभी सोशल डिस्टेंस की बात है, लॉकडाउन नहीं हुआ, 41वां दिन के बाद सुशील मोदी बोलते हैं, जो पानी और बाढ़ में भाग जाते हैं हाफ पैंट पहन के बीवी के साथ, वो कहते हैं कि मेरे पास संसाधन नहीं है, फिर पप्पू यादव और मेरे जिस हमारे दोस्तों को ट्रेन का फेयर जमा करना पड़ता है, कोटा में हम सभी लोगों से बात की, हमारे 5 दोस्त मिल करके हम लोग ट्रेन का फेयर, हमारे बच्चे उसके बाद ट्रेन से भूखे परेशान लौट करके आए, इन्होंने लाने का काम नहीं किया, इन्होंने चिट्ठी लिखी कोटा के डीएम को कि मैं अभी नहीं ला सकता हूँ, इन्होंने सूरत के डीएम को चिट्ठी लगी, मेरे पास वो डीएम है कि मैं मजदूरों को नहीं ला सकता हूँ, मजदूर मार पीटे जा रहे थे, तब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर और सीएम से बात नहीं की, जब बच्चे रो रहे थे, परेशान थे, जब बच्चों पर लाठी चलने की नौबत आ गई कोटा में, तब इन्होंने बात नहीं की, अशोक गहलोत से, रंजीत रंजन और पप्पू यादव को सीएम से बात करना पड़ा, हम 100 बार कोटा के डीएम से बातचीत किए, जब सूरत में पिटाई हो रही थी, अहमदाबाद में पिटाई हो रहा था, हरियाणा से भगा दिए गए थे, दिल्ली में दिल्ली पुलिस मार रही थी, तब इन्होंने बात नहीं किया, 6-6 केंद्रीय मंत्री हैं, एक भी केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री से नहीं मिला जा करके, आश्चर्य होगा आपको, एक भी केंद्रीय मंत्री जाके प्राइम मिनिस्टर से नहीं बोला क्यों बिहारियों पर जुर्म कर रहे हो, क्यों भूख से परेशान है, बगल में खान मार्केट के बगल में 2-2 कैबिनेट मिनिस्टर का डेरा है, पीछे में भूख से परेशान थे वहां पर, एक भी सांसद क्यों नहीं निकले, लेकिन पप्पू यादव से यदि आप कर रहे हैं, हम तो चुनाव हार गए, हमको तो हरा दिए गए, हम माने हमें मोहब्बत देने में सौतेले को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम बाढ़ में 15 दिनों तक थे, प्याज बेच रहे थे, एनआरसी में थे, यदि चिमकी बुखार में पप्पू यादव था, मुजफ्फरपुर के शेल्टर हाउस में पप्पू यादव था, देश का सबसे ज्यादा अवार्ड पप्पू यादव को मिला क्वेश्चन आयर में, डिबेट में मुझे मिला, रंजीत रंजन जी को 2 बार मिला, मुझे 3 बार मिला, आप उनसे बात क्यों नहीं करते हैं, जो सदन में अपने विधानसभा की 1 बार चर्चा नहीं की, जब 1 बार भी बोलने के लिए नहीं रहता है, आप पानी से गायब हो जाते हैं, ये सत्ता पक्ष विपक्ष, बाढ़ से गायब हो जाते हैं, एनआरसी से गायब हो जाते हैं, प्याज से गायब हो जाते हैं, कॉमन जब संकट होता है तो तब गायब हो जाते हैं। पप्पू जी ठीक है, मान लिया आपकी बात को कि आप कह रहे हैं कि आप पप्पू यादव खड़ा रहते हैं, इससे कोई इनकार नहीं करता है, और आप जिस नेता की बात कर रहे हैं उसका नाम भी हम लेना चाहेंगे, उनका नाम तेजस्वी यादव, जो विपक्ष के नेता है बिहार में, आप जिनके ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन जब वर्चुअल रैली होती है अमित शाह की, अमित शाह निशाना किस पे साधते हैं,
बिना नाम लिए तेजस्वी यादव, लालू यादव, यानी बीजेपी भी और एनडीए भी ये मान के चल रही है कि बिहार में अगर जो लड़ाई है तो हमारी आरजेडी के साथ है और तेजस्वी यादव और लालू यादव के साथ। मुझे तो एक बात समझ में नहीं, वो मान के नहीं चलती है। हाँ। वो डराती है इस बिहार की जनता को। अच्छा, वो मान उनके नहीं चलती है, डर का वातावरण है वो। पहले आप समझो, 15 साल इनको हो गया। नीतीश कुमार आए थे पटना को पेरिस बनाने, कबार खाना बना दी, डब्बा बना दिया, यहाँ पर लूट का एक 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 जगह बना दिया। जितने चीज़ों में इंक्वायरी होगी, चाहे म्यूजियम में, विधानसभा में, चाहे बड़े बड़े सारे, आप इसको सादे कागज पर लिख लो कि किसी भी परिस्थितियों में सब में एस्टिमेट घोटाला। क्या हालात हुए पटना के 9 दिन एक सीएम को अपने प्रजा के बीच जाने में। एक तो कोरोना वायरस हुआ तो इन्होंने देख लिया कि प्रजा का सबसे बड़ा दुश्मन इस देश में कोई है तो उसका नाम डबल इंजन की सरकार, धृतराष्ट्र की सत्ता, और यहाँ के पदाधिकारियों ने किस तरीके से व्यवहार और जायती किया, डराने तक का इतना क्वारंटाइन जो है 20 दिन 21 दिन हम प्लेन से आएंगे तो क्वारंटाइन नहीं हुए। हम मेरा फादर ट्रेन से आया तो घर में 7 दिन रहेगा, और श्रमिक ट्रेन आधा मर के आए तो हमको क्वारंटाइन, जहाँ जानवर नहीं है, जहाँ डॉक्टर नहीं, खाना नहीं, वहाँ कर दिए, और वहाँ पर मौत, वहाँ पर लाठी, वहाँ पर दारू। तो ये डर का वातावरण। और फिर जब हम को पहले रोका गया, एक कर्मा दाल नहीं दी गई, 1000 1000 कितने लोगों के पास पहुँचा 2 रुपया 80 पैसा। और फिर जब हम लाठी यहाँ आए तो लाठी खाए, पहले घर में फिर क्वारंटाइन में, और उसके बाद अब डकैत चोर हो गए। हमारा मजदूर हमको कहता है डकैती चोरी, मैं नेता करे डकैती, नेता देखे पौर, नेता देखे चोरी, नेता ले मजे, नेता 56 दिन गायब हो, नेता 60 दिन गायब हो, 80 दिन मुख्यमंत्री गायब हो, विपक्ष 56 दिन 57 दिन गायब हो, फंस गया। बोल हम फंस गए थे तो अरे फंस गए थे तो फंसते तो है ही लोग, फंसले रहता है 24 घंटा। फंस गए थे तो दिल्ली में ही तो लाठी चल रहा था, जाते कहते कि मेरे सीने में मारो गोली, बिहारियों को नहीं मारने देंगे। ये 6 MP बोलता जा, 6 मंत्री बोलता मारो गोली, हम नहीं मरने देंगे। बीजेपी का MP लोग तो वहीं पर बैठा था, मजे ले रहा था AC रूम में। पप्पू यादव को क्या जरूरत पड़ी थी 73 दिन घर में नहीं प्रवेश कर के लिए। कोई एक दिन है जिस दिन 73 दिन में 73 दिन पप्पू यादव ने दिल्ली में 480 बस हम लोगों ने भेजा। मैं बधाई दूंगा जिसमें कॉर्पोरेट हमको संदेश सिंह ने किया। मैं पूछना चाहता हूं आप जिसकी बात करते हो, ये 15 साल पुरानी बात क्यों करते हैं, ये 15 साल की बात क्यों नहीं करते हैं जिन्होंने कहा था मैं पलायन नहीं होने दूंगा। 41,000 लोग पलायन हुए, जो लोग जो जिन्होंने कहा, और 27 लाख का इस बार एप्लीकेशन आया, जिन्होंने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा सुशासन दूंगा, भारत सरकार के लिस्ट में आंकड़े में सबसे ज्यादा हत्या, बलात्कार, अपहरण, माफियागिरी, नफरत की राजनीति का लंबा फेस्ट इन्हीं के डबल इंजन की भारत सरकार के पास है। सतपाल जी यहां से गवर्नर थे, गए राजा कश्मीर, तो बोले कश्मीर से भी ज्यादा हत्या तो बिहार में हुई है, यहाँ तो उससे बहुत अच्छा है। तो ये सर्टिफिकेट इनके गवर्नर दे रहे हैं, इनके चिराग पासवान जी क्या बोले कि भाई अस्पताल और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो यहाँ खत्म है, कोई डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, इन्होंने एफिडेविट दिया। अब जब चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, सतपाल जी बोल रहे हैं, इनका केंद्र बोल रहा है कि सबसे ज्यादा अपराध और माफिया बलात्कार बिहार में है, तो मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, चौथा चीज सवाल क्या होता है। हाँ। दूसरा चीज आपने कहा भ्रष्टाचार परम चरम सीमा पर गया। हाँ। पांचवा चीज आप इंफ्रास्ट्रक्चर, आप 1.5% पूंजी वेस्ट नहीं कर सके। हाँ। आप सबसे ज्यादा पलायन बच्चों का आपके रीजन में। हाँ। सबसे ज्यादा मजदूरों का पलायन लालू यादव जी के बाद आपके रीजन में। हाँ। सबसे ज्यादा एम्स में इलाज कराने वाले बिहारी। सबसे ज्यादा रोजगार लेने वाला अप्रशिक्षित और प्रशिक्षित युद्ध बिहारी। तो आप जो बताए थे दुनिया को, आप बताइएगा ना, कोई एक चीज कहते हैं कि भवन बना दिए, मेडिकल है, और आप एक तरफ कह रहे हो कि मेरे पास ना तो अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, ना MRI है, ना सीटी लैब है, ना टेक्नीशियन है। ये सुप्रीम कोर्ट में आपने चिमकी बुखार के बाद कहा। तो ये सवाल उठता है, अमित शाह जी अपनी बात करें ना कि 18 करोड़ लोग यूथ क्यों भाग गए, क्यों नौकरी छोड़ दी। आप ये बात करो ना कि आपने 7000 रुपया अकाउंट में क्यों नहीं डाला, आपने इतनी जल्दीबाजी क्यों की, जब लॉकडाउन करना था नहीं किए, जब जांच करना था नहीं किए, आप बराती ले आए ट्रंप का, 15 लाख लोग लेके चले आए, आपको होली के पहले बच्चों को भेज देना चाहे नहीं किए। और तो और, जब सड़कों पर था दुनिया
तब आप लोग उसके आंसू नहीं पोछे। 20 लाख करोड़ रुपया में 20 रुपया नहीं दिया, उल्टे मजदूरों के कानून समाप्त कर दिए आपने। तो आप यहाँ आए तो विशेष पैकेज पूछना चाहिए था, विशेष राज पूछना चाहिए। विशेष पैकेज पे मैं सर पप्पू जी एक सवाल है, क्योंकि लंबी चर्चा आज आपसे करने के मूड में है। आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी ने सवाल खड़े किए, खुद सतपाल मलिक जो गवर्नर थे उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन सवाल खड़े करने के बावजूद सुशील मोदी हो या अमित शाह हो, सुशील मोदी के बारे में तो कहा जाता है कि नीतीश कुमार की परछाई है, लेकिन अमित शाह भी लगातार यही कर रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे, नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे। तो ये बात आप कर रहे हैं, चिराग पासवान की उदाहरण दे रहे हैं, सतपाल मलिक का उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन सबसे शीर्ष में जो बैठे हुए हैं तो वो तो नीतीश कुमार को ही चाह रहे हैं ना। सर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आता है कि नीतीश कुमार जी के इनके बारे में मैं सिर्फ इतना, मैं व्यक्तिगत मैं सम्मान करता हूँ, रिश्ता रखता हूँ, लेकिन दुनिया में यदि मैं दुनिया में कोई मुख्यमंत्री के रूप में और प्रतिनिधित्व के रूप में कोई यदि पूछे किसी से इतना निकृष्टतम व्यक्ति, सर आप नीतीश कुमार जी के बारे में मैंने आपको सीधा कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, जब इन लोगों के पास हमरा बिहार में तू नटवा तोरा बिहार में हम नटवा, जात पात धर्म मजहब के बगैर कोई रास्ता ही नहीं है, ये 370 आचार संहिता तलाक के अलावे दूसरी बात ये कर नहीं सकते, नफरत की वर्चुअल की 13,000 इनके पेज पर आता है, जब पूरा देश परेशान है, आज डिप्टी सीएम दिल्ली का बोला कि 5.5 लाख क्रॉस करेंगे हम जुलाई में, आज दुनिया कह रही है कि बिहार की दुर्गति सबसे ज्यादा होगी, ट्रंप कह रहा है कि यदि जांच होगा तो भारत नंबर 1 पे जाएंगे, आप इस गंभीरता को हटा दिए, 84,000 मात्र जांच हुई है, आपने जब यूथ के पेट पर लात पड़ी थी परेशान था, जहां 22,000 अकाउंट में पप्पू यादव ने डाला पैसा 500, 1500, 2000 रुपया, तो उस वक्त आपकी चिंता गहरी नहीं थी जब हम भूख से परेशान थे, लेकिन जब खजाना आपके खाली हो गए, जब नेताओं का बाल बच्चे का पेट भरना बंद हो गया, पदाधिकारी परेशान होने लगे, तब आप पहले कहा जान है जहान है, तब दूसरे बार आपने कह दिया, दो बार बाबा की तरह आए थाली पिटवाए अगरबत्ती दिखवाए, तीसरे बार आपने कहा नहीं मैं मुख्यमंत्री को छोड़ दिया, मधुशाला है तो जान है, मुख्यमंत्री जाने, मुख्यमंत्री ने कहा मैं नहीं कलेक्टर जाने, कलेक्टर ने कहा मैं क्यों SDO जाने, मतलब इंस्पेक्टर राज का कवर्ड हो गया। और अमित शाह जी आपने ये नहीं कहा कि चाइना कितने भीतर में आके बैठे हुए हैं, लेह लद्दाख के कहां, नेपाल आपको औकात बता दी, बांग्लादेश औकात बता दी, आप इस पर चर्चा नहीं किए, आपको औकात नहीं थी, आपने चर्चा शुरू कर दी, कोई ढुकता है बम फोड़ के चला जाता था। अरे गृहमंत्री जी हैसियत नहीं है नेपाल को धमकी देने का, श्रीलंका ने एक बार आपके पक्ष में बात किया सीधा बम ब्लास्ट हुआ, आप इकोनॉमी माइनस में चला गया, आप इकोनॉमी पर बात नहीं किए, आप 20 लाख करोड़ रुपया में किसान को क्या दिए और छोटे व्यापारियों को क्या दिए, काश्तकारों को जो भाड़ेदार है, आप सूद ब्याज की बात कर रहे हो, पैकेज की बात नहीं किया आपने, आपने जो बेरोजगार लड़के हुए उसमें 10,000 रुपया अकाउंट में नहीं दिया, आप मजदूर को बिना खाना पीना के 3 महीने में उसका किराया बंद कर दिया, उसकी बिजली माफ कर दी, बच्चों का किराया, आप स्कूल वाले से आप मिडिल क्लास के परिवार को तंग करवा रहे हो, आपने ट्यूशन फीस माफ नहीं की, आप तंग करवा रहे हो, आप सारे पिता तंग हैं, क्यों इस पर आपने नहीं कहा, लॉज मालिक तंग कर रहे हैं बच्चों को नहीं बोला, आप लाठी चल और आप यहां आए, आपके पास ऑप्शन क्या है, राजनीति तो दोहरी और दोगली होती है, कब गिरेंगे कब भगनेंगे, औकात बता रहे थे अभी 2 दिन पहले चिराग पासवान जी को त्यागी जी जदयू, तो जदयू और सुशील मोदी ने भी बता दिया कि गलत फहमी में नहीं रही है, कमांडर नीतीश कुमार है। भैया वही बात मैं कह रहा हूं, सुशील मोदी जी की बिना पेंदी के लोटे हैं, उनकी अपनी कोई औकात नहीं है, सुशील मोदी के बारे में दुनिया को पता है, और मैं एक बात कह रहा हूं, सुशील मोदी और यह सुशासन, सुशील मोदी को अपने घर के पड़ोसी जो उसको नहीं टोका हो, 30 साल जिसने राजेंद्र नगर ने जिसको कुम्हरार ने दिया और जिसको पैर के तले सुशील मोदी छोड़ के चला जाए, उसके बारे में नीतीश कुमार को ही पसंद होगा ऐसा आदमी,
ये नेता लोगों के बारे में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि वर्चुअल रैली में 200 करोड़ का खर्चा और वर्चुअल रैली के दिन कुछ ऐसे लोग थाली पीटने वाले लोग, भैया मैं एक तो मैं कहूंगा कि 15 साल पहले हमारा बाप जब था तो उनसे कह दिया कि तुमने गलत किया, अब तुमको हम मौका नहीं देंगे। और 15 साल से बिहार की जनता ने लालू यादव के बार बार कई गलतियों को राजनीति से उनको दरकिनार किया, लेकिन फिर नीतीश बाबू और इसका गठबंधन हुआ तो आए। अब 15 साल तो नीतीश बाबू को जवाब देना है ना, लालू यादव सवाल क्यों? अच्छा, पप्पू यादव जो सवाल कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यही कर रहे हैं कि मान लीजिए मेरे पिता से कुछ भूल हुई, उसका जो जवाब है जनता ने दिया, हमारी सरकार को हटाया, लेकिन अब तो मैं सामने खड़ा हूँ। पप्पू यादव यही बात बोल रहे हैं। कौन सामने खड़ा है? तेजस्वी यादव खड़े हैं भाई, युवा नेता है वो। लालू यादव के पैर के धूली है कोई राजद में? ये राजद आरजेडी के घोषित सीएम को उम्मीदवार है। लालू यादव आज जिंदा है ना, कहीं है, सवा शेर है। और राजद आज भी यदि कहीं किसी के दिल में है तो वो लालू यादव के कारण ही है। इन लोगों के बारे में इतना अवसर, हर पिता का शौक होता है बेटा करे, कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चे की तरह है। इतना अवसर दिया तुम ले लेते, अफसर को चुन लेते, डिप्टी सीएम मिला, विपक्ष मिला, बोलोगे ना तुम कई ठो क्वेश्चन किए राघोपुर के बारे में, हाउस में कहाँ रहते हो, जब जब अवसर मिलता है संकट होता है तो आप गायब हो जाते हो, 56 दिनों के बाद आए, पैसे की कमी नहीं थी, आप ट्रांसफर करते, 1000 ले लो, 400 बस ले लो, 1000 ट्रेन ले लो, ये क्या है, ये कन्या भरोरिया का खेल है क्या? जब आप जान रहे थे रेड जोन है गोपालगंज, तो हाई वोल्टेज ड्रामा से आप समाज को क्या संदेश दे रहे थे? नफरत। ये जो बीजेपी और घटक नफरत पैदा करेंगे, हिंदू मुसलमान का, बैकवर्ड फॉरवर्ड का, इस बीच में एक नफरत और शुरू हो गई। जब चुनाव आया तो जदयू अन लोगों के दल का आरक्षण का खेल शुरू हो गया। अब मुझे समझ में नहीं आता है, जब 5 साल रहते हो और तुम्हारा जब केंद्र में सरकार है तो ये दोगलई का चेहरा किसको दिखाते हो? तुम कर लो ना कानून वालो, तुम समाज में क्यों इस तरह की चीजों से क्वेश्चन पैदा करते हो? दूसरी चीज, विपक्ष के नेता को मैं कहना चाहूंगा, हमाम में सब नंगे हड डाल पर उल्लू बैठा, अनजमी गुलिस्ता क्या होगा? सब अपराधी माफिया से बस मंगा के रैली करवाते हो, बायका नाच करवाते हो, आप भी करवाते हो, बलात्कारियों का बस आता है, सबका बस आता है, आप करोड़ों करोड़ रुपया खर्च करते हो। कोटा में अपराधी माफियाओं, कोटा में वो बस क्यों नहीं लगी मजदूरों के लिए, जब 100 करोड़ 10 करोड़ का लगाते हो, तो जब तुम 56 दिनों के लौटने के बाद 61वां दिन तुम हाई वोल्टेज ड्रामा करके 80 MLA को बुला सकते हो, उस 80 MLA को तुम कहते कि अपने विधानसभा में जाओ और गरीबों का खाना खिलाओ, कहां थे, मर गए थे क्या? कोरोना वायरस का डर इसी मुख्यमंत्री विपक्ष इन लोगों को था, बस तुम्हें गंदी, तुम लोगों को एक तरफ वर्चुअल, सुनिए मतलब रियल हीरो कौन? हाँ, रियल हीरो कौन? रियल हीरो एक तरफ लोकतंत्र, एक तरफ लोक सेवक, रियल हीरो इस बिहार का पप्पू यादव रियल हीरो मजदूर, रियल हीरो यूथ, रियल हीरो वो छात्र जिन्होंने डिजिटल लड़ाई लड़ करके हिम्मत जताई आने की बिहार, न था मार दिया था ये लोग, कोई आवाज नहीं उठाता था, एक बार विपक्ष नहीं बोला, नहीं निकले, अकूट पैसा है तो बराबर आके नीतीश कुमार को घेरे थे। बाप हद हो गया भैया, ये टिकटॉक, इंस्टाग्राम, पबजी, ये जो नासमझ लोग हैं, ये जो नालायक लोग हैं, बचकाना का राजनीति को आप बचकाना का खेल समझते हैं, ये गुजू गुजू कौन कोना, ए कोना, वो कोना, ये करना बंद, ये बचकाना का खेल नहीं था, ये मौत लाशों थी चारों तरफ, पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत में, भारत के 85% लोग के घर के खाने खत्म हो गए और 20% लोग जो लूट हैं, माफिया, अपराधी, नेता, पूंजीपति, उद्योगपति, वो जिंदगी जी रहे थे
और 85% जो भारत को आत्मनिर्भर बना रहा था, जो यूथ दुनिया बनाता है, उसको मजबूर कर दिया गया कि तुम भूखे अपने घर जाओ। घर जाने के लिए परेशान थे, ये जिम्मेदारी जब 73 दिन पप्पू यादव और फिर वहां से आने के बाद पटना और पूरे हर जिले में पप्पू ब्रिगेड, पप्पू युवा शक्ति, छात्र शक्ति, छात्र लोग हमारे जेल गए, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र मनीष कुमार जेल गए, 5 छात्र जेल गए और हम लोग FIR हुआ दिल्ली में, 5-5 बार हम लोगों ने आवाज उठाई। तो भैया जब हम लोग सड़कों पर एक सेवक के रूप में, बेटे के रूप में, हमें दर्द था हमारी अपनी माँ का, हमारे बिहार और बिहारी होने का, मुझे लग रहा था कि ये जिंदगी देखने से पहले मौत क्यों नहीं आ जाती, आत्महत्या करने की स्थिति थी। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आप जिसके बारे में बात करते हैं, 10 बार अवसर मिले, आप उनको मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग, इन लोगों का सबसे बड़ा टारगेट क्या है कि कुछ नहीं बोलना है, कोई विकास की चर्चा नहीं करनी है, बस लालू 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 करना है, ताकि 15-20 साल के जो यूथ हैं, जो लालू यादव जी को नहीं देखा नहीं जाना, उसके भीतर में नफरत पैदा करवाना है, राजनीति करने के लिए घिनौनी खेल खेलना है। ये लोग कितने गंदे हैं, लालू यादव से कई हजार गुना माफिया और अपराधियों का तांडव और कई हजार गुना इकोनॉमी, एजुकेशन और हेल्थ लालू यादव के समय में खत्म शुरू हुआ, खत्म होना और फिनिश्ड हो गया। लालू यादव के समय में उद्योगपति, बड़े बड़े फैक्ट्रियों के आदमियों का पलायन होना शुरू कुछ हुआ था और यहां आते आते वो फैक्ट्री समाप्त हो गई। तो 15 साल में आपने सबको वापस क्यों नहीं लाया, एक दूसरा, 15 साल में जब लालू यादव इतने गंदे थे, खराब थे, बेईमान थे, तो आपने इंक्वायरी सेटअप उनके परिवार या उनके चीजों पर, उनके लोगों पर क्यों नहीं की। दो, तीसरे, आप पर 85 घोटाले के आरोप लग चुके हैं, ना जाने आप पर कितने आरोप हैं, आप नहीं बचिएगा, आप लोग जेल में सरना पड़ेगा आपके पदाधिकारी और नौरत्न को, आप अपनी बात नहीं कहे, आपने इस तरह से औकात नहीं हुआ। हमको महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से 3 बार बात करना पड़ा, छत्तीसगढ़ में रंजीत रंजन जी बात किए, पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत किए, हम लोगों ने, दोस्तों ने मिल करके आज भी यहां से खाना सुबह शाम लोगों को पहुंचाना, राशन हर परिवार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी, हर घरों तक थाली और बांटने की जिम्मेदारी। लेकिन आप तो अब आए हो ना कि नहीं, आप यहां आए घटिया राजनीति को जन्म देने। 1000 लॉकडाउन में मौत हुई है, लगभग 40% हत्याएं हुई है, गया में, जहानाबाद में, मोकामा में, नाथनगर में, पूर्णिया में, खगड़िया में, बेगूसराय में, सभी जगह, सिवान में भी मौत हुई थी। कौन आपको बोलता है, आपका तो बाबूजी का घर है वो, आपकी माँ का घर है, आप जाओ और बोलो कि मैं यहाँ पर लड़ूंगा, यदि औकात है तो हमको हरा के दिखा दे और मिटा दो, आप अपराधी को मिटाओ, जात जात का नफरत का पैदा क्यों, कि बस चुनाव के समय, जो पिंटूस के समय हमने लड़ाई शुरू की, राजनीति नहीं थी उस वक्त, पुट्टू यादव और उसके बाद लालू यादव जी ने उसकी राजनीति शुरू कर दी और बाद में जिस पर आरोप लगा उसको टिकट भी लालू यादव जी दिए। और आज फिर जब चुनाव 3 महीना बचे और इतने हजारों मौत, ना जाने कितने यादव, कितने दलित, कितने मुसलमान मरे, कहां थे तुम, कितने अपर कास्ट के लोग मरे। विपक्ष का मतलब यादव नहीं होता, विपक्ष का मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता, मुख्यमंत्री का मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता, वो मतलब होता है पूरा 12.5 करोड़ लोग। जब आप पर आरोप लगने लगी तो आप राजनीति शुरू कर दिए 2 दिन, जब पप्पू यादव सब जगह पहुंचने लगा, अरे बाप रे बाप पप्पू यादव 50,000 भेज दिया, अरे ज्योति को भेज दिया, अरे बाप रे बाप पिछुआ गए, मोकामा में भेज दिया, अरे बाप रे बाप क्या हुआ, मतलब इतनी घटिया राजनीति मुझे समझ में नहीं आया आज तक। मैं उसकी चर्चा छोड़ दीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा चर्चा इस बात का है कि नीतीश कुमार जी से पूछिए और बिहार से पूछिए कि 15 साल कम होता है और 15 साल आपको दूध पिलाया बिहार की जनता ने, आपने क्या किया, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन, टोला मित्र, न्याय मित्र, आप 400 रुपया, 200 रुपया, जीविका का तनखा क्या हुआ,
संविदा का क्या हुआ, नियोजित पर लाठी गोली चली, एसटीटी का क्या हुआ, डीएड का क्या हुआ, बीएड का क्या हुआ? आपसे यूथ कहता मुझे नौकरी, आप हर चुनाव के समय वैकेंसी निकालते हो, करोड़ों अरबों रुपया मिडिल क्लास के बच्चों से वसूल लेते हो, चुनाव में लगाते हो और नौकरी नहीं देते। पप्पू जी, फेसबुक लाइव पे कई कमेंट आ रहे हैं, लेकिन जिस बात की आप चर्चा कर रहे थे, तमाम कमेंट पे हम चर्चा करेंगे। कर रहे थे, उन्होंने लिखा है, सर एक आप ही हैं जो स्टूडेंट सबका रूम रेंट का कुछ उपाय कर सकते हैं, पटना में रूम ऑनर बहुत परेशान कर रहे हैं, सर प्लीज कुछ कीजिए, स्टूडेंट मानसिक तनाव में है रेंट को लेकर। निश्चित रूप से यह सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, ट्यूशन फीस माफ करना चाहिए, हर हमें कीमत पर माफ करनी चाहिए थी। बच्चियों को तो पटना के बच्चों के रूम रेंट मैं भरूंगा। बड़ी बात कर रहे हैं पप्पू जी आप। सर पटना के बच्चों के रूम रेंट मैं भरूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। जितने भी छात्र छात्राएं फंसे हैं हॉस्टल, मैं सरकार को देने को तैयार हूं 20 लाख रुपया। कल ही मैं सरकार को 20 लाख रुपया ट्रांसफर करूंगा। जो यहां बच्चे हैं छात्रा खासतौर पर बेटी, पहले उसके रूम रेंट को माफ करो, मैं कल देने को तैयार हूं। लेकिन सरकार या तो रूम रेंट दे या अभी कल हमारे पास सारे टीम आए थे बच्चे के संगीत के, 20,000 रुपया मंथली है, वहां पर संगीत सिखाता है बहुत सारे बच्चों को। एक डॉक्टर है, उसने कह दिया कि आप रूम खाली कर दो, 3 महीने से आपने तनख्वाह नहीं दी। कल हमने 20,000 रुपया महीना उनको देने का वादा किया और अभी जा रहा है कि मैं 20,000 रुपया आपको 1 महीने का दे रहा हूं। तो सर अब स्कूल वाले फीस लेंगे, निकाल के दिखा दे, कोई फीस न दे, ये ऑनलाइन जबरदस्ती किया गया है, फीस लेने का बहाना है कि ऑनलाइन करके कहेंगे हम पढ़ाए हैं। हमारी भी स्कूल है गांव में, हमने सीधा कह दिया कोई फीस नहीं, नो फीस 3 महीना का, टीचर्स को तनख्वाह पप्पू यादव के तरफ से जाएगा। यहां तो जात पात से फुर्सत नहीं है, इस बिहार को पौर देखने से, हिंदू मियां के करने से फुर्सत नहीं है, मालगाल से इस नेताओं के नफरत पैदा करने से फुर्सत नहीं है। आप ये बात करते, ये बात करनी चाहिए थी। ये डिजिटल आज ये नीतीश कुमार, अब 15 साल के बाद को बात भी चाहिए इनको, बाहर है नीतीश कुमार। अरे पप्पू जी, कई सवाल हैं, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हमको सवाल करना चाहिए, सरकार से तो लगातार हम सवाल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पूरी टीम है, एडिटोरियल टीम है, वो इंतजार कर रही थी आपका, और कई सारे सवाल जो है इनके मन में है। हमारे आउटपुट हेड संदीप हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। संदीप बताइए, क्या है सवाल आपके पप्पू जी से? पप्पू जी, पिछले लगा 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद से एक मुद्दा सियासत में बिहार में बहुत जोर शोर से रहा है कि आरा में जो नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि 1,25,000 करोड़ पैकेज, तो वो जो 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज पे सवाल विपक्ष हमेशा उठाता रहा है। अमित शाह ने आकर 3 दिन पहले हिसाब दे दिया है, क्या वो मुद्दा खत्म हो गया है? मुझे तो समझ में नहीं आता ये हिसाब दिया किसको है, और इसके हिसाब खाता ने वही केसरी जो कह दे सही, इनको गाली गलौज से फुर्सत होगा। ममता दीदी को आज कोरोना वॉरियर का सवाल है, कोरोना पर चर्चा करिए, हालात खराब है और आप वर्चुअल रैली लगा करके सब जगह नफरत पैदा कर रहे हैं। आपने क्या किया 20,00,000 करोड़ रुपया का? किसानों को कितना पैकेज दिया आपने? यूथ के लिए कितना पैकेज दिया? मनरेगा का 300 दिन बढ़ा दिया आपने? आप बोले 50,000 करोड़ रुपया हम बिजली कंपनी को दिए। आप मनरेगा की बात कर रहे हैं, आज ही श्रवण कुमार का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि 19 लाख लोगों को हम रोजगार अभी दे रहे हैं। भैया ये जैसे ट्विटर पर लव लेटर है इन लोगों का, ये लोग लपेड़िया है, इन लोगों गोबर में घी जितना डाल लीजिए आप कुछ नहीं होना है। अब इनका जाने का तय है, जनता तय कर रही है, अब विदाई तय है, अब ये कब देंगे? जो 15 साल भगा दिया मजदूरों को और यूथ को, मजबूर कर दिया बाहर पढ़ने के लिए, 20,000 करोड़ रुपया हमारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर देते हैं, मेरा पैसा 20,000 करोड़ बाहर जाता है, हम जब कमाने जाते हैं तो उसका पैसा बाहर जाता है अलग बैंक में, जब मजदूरी जाता है तो उसका पैसा बाहर जाता है, सारा पैसा 15 सालों में इसको याद नहीं आए, 73 दिन याद नहीं आए,
जब मजदूर लाठी गाली खा करके डकैत चोर सुन करके आ गया तब ये राजनीति कर रहे हैं। तो क्या ये आंकड़ा झूठा है सरकार का जो दावा मंत्री कर रहे हैं 19 लाख? 7 लाख ले लो, 1 करोड़ ले लो, झारखंड में ले लो, कश्मीर में ले लो। अरे भैया समझ में नहीं आता है, जरा आप बताइएगा ना, कोई बस दे रहा है, कोई ट्रेन दे रहा है, कोई 7 लाख करोड़ दे रहा है। चोर चोर मोसेरा भाई, जुल्मी और जालिम, नागनाथ सांपनाथ। अरे बिहार की जनता एक बार तो जाति से निकले। लेकिन कैसे निकलेगी पप्पू जी, जाति से सर निकलेगी? नहीं नहीं, जाति पेट की रोटी की भूख। सर जातीय राजनीति को कौन इनकार कर सकता है, और सिर्फ बिहार में क्यों, यूपी में या अन्य राज्यों में भी जाति। सर ममता कैसे आई, जगन कैसे आया, नवीन कैसे आया, सर हेमंत कैसे आया? सलाम करता हूं हेमंत सोरेन को, सलाम करता हूं महाराष्ट्र के सीएम को, सर वो कैसे आए? सिर्फ बिहार ही जात का ठेका लिया है, दिल्ली नहीं? क्या एक बार के हेमंत के तरह हम चुनौती को कबूल नहीं करेंगे? प्लेन से, ट्रेन से, एयरपोर्ट पर जाके मजदूरों का को स्वागत करना, ट्रेन में जाके मजदूरों का स्वागत करना। उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ? पप्पू यादव सड़कों पर है, हमको कोरोना वायरस नहीं हुआ? ये घर में बैठे लोगों को, नेता लोग कौन मरे? ट्रेन में कौन मरा? कोई नेता एमएलए एमपी का बेटा तो नहीं मरा? क्वारंटाइन में कौन मरा? भूख से कौन मरा? इनको क्या मतलब? और सब जान चुके हैं 5,000 करोड़ रुपया बाढ़ में घोषणा किया, मिला क्या? नीतीश कुमार पैर पकड़ के भीख मांगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। चुप, नीतीश इधर बोल रहे थे, मोदी जी इधर मुंह घुरा लिए। बाढ़ का हो गया, विशेष पैकेज दे दिए, सीएम का चेहरा विशेष राज दे लिए, जो चाहिए था वो तो हो गया, सीएम का चेहरा मान लिया ना बाबू जी। बात बोल, ये विचारों की राजनीति तो होती नहीं है, स्वार्थ की राजनीति होती है। आप भी जानते हो सत्ता और सियासत के लिए बिना दोगलाई। लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि नीतीश शासन काल में कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, तो क्यों बार बार जनता ने मौका दिया? अगर पप्पू जी, पप्पू यादव को ये लगता है कि नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया, 15 साल आपको भी मिले थे, तो आखिर बिहार की जनता ही ने नीतीश कुमार या एनडीए को लगातार मौका दिया है? भैया नोटबंदी, जीएसटी, अब फिर भावनात्मक पर 6 साल, देश का इकोनॉमी नाश, 6,000 से 9,000 नियोजित शिक्षक, फिर 40,000 का नियोजित शिक्षक का वोट, टोला मित, पानी फ्री, बिजली फ्री, मेट्रो फ्री, बस फ्री। जनता बेचारी मूर्ख बनाना है इन लोगों को, इनको आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, बच्चे हमारे निर्माण करें रोजगार हो नहीं बनाना है, बस ठगना है। जात पात का नफरत पैदा करो, लालू और लालू जी के खानदान को गरियाओ, और लालू यादव की बात करो, और नफरत पैदा करके बस। इनके पास तो एक ही मुद्दा था, कोई विकास पर तो जीते नहीं है। ये जो एनएच की बात करते हैं, एनएच तो 40-48% महाराष्ट्र में, यहां तो 9% भी एनएच नहीं बना। वो तो 2005 में मनमोहन सिंह का ग्लोबलाइजेशन था, जब ये आए थे ताला चाबी के बाद। अरे नीतीश जी किस्मत ठीक था तेरा, रामविलास जी का ताला चाबी का दिमाग खुल गया होता तो बाप जिंदगी में ये मुख्यमंत्री नहीं होते। और मनमोहन सिंह जी का 2005 का ग्लोबलाइजेशन का वो समय, जब भारत की इकोनॉमी दुनिया में झंडा नहीं फहराती तो बिहार का पथ नहीं भरता। ये नीतीश नहीं, नीतीश से बात करते हो तो स्कूल और हेल्थ पर बात करो, नीतीश से बात करते हैं तो आप फैक्ट्री के लाए उसकी बात करिए। गुड़गांव के एक शहर में जितनी फैक्ट्री है बिहार में नहीं है। नीतीश की बात करते हैं तो बात करिए अपराध पर, माफिया पर, बाढ़ पर, सुखाड़ पर, एजुकेशन पर, हॉस्पिटल पर, पीएमसीएच पर। अरे दुनिया का बड़का पीएमसीएच बनाएंगे, ठीक है 15 साल से। लेकिन ये बात तो आप भी मानिएगा ना, जिस अपराध की आप बात कर रहे हैं, ठीक है मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद ही जितने भी तथाकथित बाहुबली कहे जाते थे वो या तो वो राजनीति में आ गए या उन्होंने अपना लाइन चेंज कर लिया। हद हो गया,
पैदा हुए लालू यादव जी में, नाक का बाल बन गए इसके, दोनों भाई बंटवारा कर लिया, एक जिला में आधा आधा बांट लो, हम भी लूटो तुम भी लूटो, आधा तुम भेजो, सारा माफिया को कहा जा रहा पदाधिकारी ले जाइए, ये चुनाव सारे माफिया और अपराधियों के बदौलत लड़ना चाहते हैं, इनके पास कैंडिडेट नहीं है, पैसा वाले को कहेंगे करोड़ों अरबों खर्चा करो पैसा के बदौलत, ये समझते हैं कि सब मजदूर, इसको क्या पता, अरे लोक सेवक को समाप्त किए हो आप लोग, एक गलत फहमी में मत रहिए जनाब, सुशासन बाबू का दांत खाने के लिए कुछ कहने के लिए भीतर नाथ नाथ सांप नाथ, मन में राम बगल में छुरी, ये सुशासन बाबू का अबरी पूरा चरित्र दिख गया कि ये कितने गंदे थे, यह सरकार कितनी गंदी थी, चिमकी में दुखा, पटना के पानी में दुखा, और बचा खुचा नीतीश बाबू का पूरा स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। पप्पू जी, संदीप शायद आप एक और सवाल करना चाह रहे हैं। हाँ, एक सवाल है, थोड़ा राजनीति से हटकर है, कोरोना काल में दो तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रही थी, एक पप्पू यादव मदद करता हुआ दिल्ली में दिख रहे थे, दूसरा सोनू सूद बहुत बड़े पैमाने पर वो भी मदद कर रहे थे, सोनू सूद के बारे में पप्पू यादव मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जिसने भी थोड़ी भी मदद की मैं उसको बधाई दूंगा, बिहार में सारे पप्पू ब्रिगेड और जन अधिकार पार्टी के लोग खाना पहुंचा रहे थे, काम कर रहे थे, और पटना का कोरोना वॉरियर 22,000 अकाउंट में पैसा डाल रहा था, दुनिया के इंडिविजुअल में आज तक कोई 22,000 अकाउंट में पैसा नहीं डाला, बिल गेट्स भी नहीं, सोनू सूद जी ने काम किया, मैं बधाई देता हूं। फर्क इतना है, पप्पू यादव को मार्केटिंग नहीं आती है, हमको लगता है कि दुर्भाग्य से हम लालू नीतीश रामविलास इन लोगों के बाद पैदा हुए, भगवान ने हमारे साथ इतना बड़ा गुनाह क्यों किया हमको बड़ा दुर्भाग्य लगता है, या बिहार से बाहर यदि हम किसी साउथ उथ में पैदा होते तो लगता है कि महाभगवान हो गए होते, अब दुर्भाग्य या सौभाग्य हमारे नाम के आगे पीछे टाइटल लग गया यादव जी का, हम 480 बॉस भेजे, 7.5 लाख लोगों को खाना पहुंचाए, 40,000 लोगों को 5,500 रुपया दिए, 22,000 अकाउंट में डाले, पूरे बिहार के लोग के लिए लड़े, हमारे बच्चे जेल गए, तो हमको आज तक काहे दिखाएगा, अरे भैया मैं पप्पू झा भी हूं, पप्पू सिंह भी हूं, पप्पू शर्मा भी हूं, पप्पू राम भी हूं, पप्पू पासवान भी हूं, पप्पू महतो भी हूं, पप्पू निषाद भी हूं, पप्पू चमार भी हूं, आप पप्पू को आप एक देखो ना बेटे के रूप में, छोड़ दीजिए एमएलए एमपी, सर मेरे यहां कोई फर्क कभी नहीं, सोनू सूद जी 9 बस दिए कि 10 बस, अच्छा किए, उसको आज तक भी दिखा दिया, वो तो सोशल मीडिया और आप लोगों की बड़ी कृपा है कि इतना पप्पू यादव किया तो दुनिया को दिखा दिए, नहीं तो हमरे जैसा जिसके पास खाने के लिए रहने के लिए घर नहीं हो क्या दिखाएगा। लेकिन बाहर के समय में ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे पप्पू यादव। सर ट्विटर पे तो हम अभी नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे, परसों बचा लो बिहार मौका है, सर पूरे भारत में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे थे, तो यूथ की कृपा है, वहाँ जात पात नहीं होता है पप्पू यादव के निधि, वो कृपा है मजदूर क्रांति की, वो कृपा तो हम पर रहती है, लेकिन एक कहावत है, सब कहता है पप्पू यादव जी हम आपसे प्यार करते हैं, आई लव यू, सब कहते टिकटॉक पर भी आई लव यू, हमरो आई लव यू, और जब ब्याह करने का बारी आता है तो नरेंद्र मोदी नीतीश लालू से कर लेते, हम बांझे रह जाते हैं, एक कोई मीनिंग है, प्यार करिए हमसे, ब्याह कर लीजिए नीतीश लालू से, ये धोखा नहीं है, हम 5 साल जिंदगी दिए, 7 बार MP MLA रहे, हमने हर इंसान और बिहार के हर दर्द में, हर बेटी हर घटना में पप्पू यादव पहुंचा, और पहुंचाने हमने हर परिवार की मदद की, नहीं की हो तो हमको कोई बता दीजिए, और कोई नेता कभी मदद की हो, हम तो 5 साल बेटा की तरह सेवक हैं, लेकिन ये लोग तो चुनाव के बरसाती मौसम में आता है, हम भी देंगे, ज्योति पासवान को दे दिए तो रामविलास जी के, अरे ज्योति पासवान है, ट्वीट कर दिए ज्योति पासवान, अब आप हमको बताइए
आज ज्योति पासवान थे तो रामविलास जी उनके फादर को आप काहे ने दे दिए एफसीआई में नौकरी, आज ज्योति को 10 लाख करोड़ रुपया दे देते, 10 लाख रुपया अकाउंट में डाल देते, फिर उसके बाद हमारी भोली भाली जिसका नाम डराती है राबड़ी जी, हम वो बेटी का ब्याह करा देंगे। अब लीजिए 12 साल अभी हुआ ही है, बेटी का ब्याह करा देंगे। फिर रविशंकर शुरू हो गया ट्वीट, हम आ गए, आर के सिन्हा आ गया, हम हैं 25,000। और सबसे हद तो ऊ कर दिया जो भगाया हरियाणा में, पैर तोड़ दिया ज्योति पासवान के बाप को, घर खाली करवा दिया, कोई खाना नहीं दिया, 2 दिन भूखल थी ज्योति। बीजेपी वाला गया झंडा पहना दिया, बोला यहाँ दस्तखत कर दीजिए, आप बीजेपी के सदस्य हो गए। क्या दोगलई है, कितनी नमक हरामी और बेशर्मी है राजनीति भाई, क्या दुष्टई है। नीतीश बाबू का लोक लाज, लोकतंत्र लोक लाज से चलता है। अरे नीतीश जी, जे पी लोहिया, कर्पूरी ठाकुर के दोगले पुत्र लोग इस बिहार को जितना नाश किए हैं ना आप लोग सब मिल के, ये लोक लाज है। 80 दिन कोहबर घर में रहे और 80 दिन के बाद निकलने के बाद आप वर्चुअल रैली के बाद डिजिटल रैली शुरू कर दिए और गंदी खेल शुरू कर दिए और कह रहे हो बताइए 15 साल पहले का जंगल राज। अरे नीतीश जी, आप अपना महाराज बदलिए ना, क्या क्या कितने लोग हैं आप, कितने माफिया अपराधियों के बदौलत आपकी सरकार बनती है, आप किए किया ये बताइए, कितनी बच्चियों का बलात्कार हुआ, रोजगार क्यों नहीं दिए, फैक्ट्री क्यों नहीं आई। जो राजधानी के पटना को नहीं बना सका हो उसको 1 सेकेंड रहने का राइट नहीं, और जो 80 दिनों तक अपने प्रजा को देखा नहीं, जो अपने प्रजा को मरवाया और आवाज नहीं खोला, उसका दाह संस्कार हो जाना चाहिए। अंशु झा हमारे साथ हैं, ये भी आपसे पप्पू जी कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। जी जी पप्पू जी, बहुत दिनों से आपको देख रहे हैं, सबसे जो बेहतर काम हमको लगा वो बारिश के समय में जो एक राजनीतिक से हटके एक सामाजिक काम के रूप में आपने उसको किया। आज चुनाव का वक्त है, तमाम पार्टियां होर में है, डेली पार्टी बन रही है। मेरा सदन मैं एक सवाल एकदम छोटा सवाल लेता हूं मैं, जो लंदन से पढ़ के जो पुष्पम प्रिया चौधरी आई है उनके बारे में क्या है, वो भी घूम रही है, वो भी हम जो मेरा भगवान है, माँ बाप परेशान है तो माँ बीमार है, हम उसको देखें, कौवा कान लेके उड़ गया, कौवा कान देखेंगे कि कौवा को देखेंगे। अब ये आइटम सॉन्ग सबको आप लोग देखिए ना, ये काम के लिए तो सोशल साइड ही है, ये सबके लिए हमारे को जितना देश भर में आइटम सॉन्ग है, कौन कौन सॉन्ग है, कहाँ कहाँ से कमाया, भोरे कुछ शाम में कुछ, भोरे भैया शाम में सैया, शाम में भैया भोरे भैया सैया, तो कौन है क्या। कोरोना वायरस में बाढ़ में तो कंठे भर थे, अब कोरोना वायरस में तो कह रहा था मर जाइएगा पप्पू यादव, ये काम मत कीजिए, हमको पाठ दे रहा था। हमको लगता है विज्ञान का पता ही नहीं कि हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या कहता है, इनमें बॉडी हमारा क्या है, हमको कितना परहेज करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोरोना वायरस में जो आदमी 26 तारीख से लाखों के बीच में सड़क में हो, वो सीधा मौत से खेल रहा था, मौत से, पानी से ज़्यादा। पानी में तो 9 दिन 11 दिन में हम निकल गए, यहाँ तो आज तक नहीं निकल पाए। अभी भी पटना बस स्टैंड और स्टेशन पर खाना और हर घर को पहुंचाना, और कब तक रहना पड़ेगा बेटे के तरह। जो लोग इस तरह की पार्टी बना रहे हैं, जो इस तरह के उन लोगों के क्या क्या मैसेज, भैया चुनाव आएगा ना तो बड़ी दुकान खुलेगी, कुछ यहाँ गुरा कुछ वहाँ गुरा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, पूरा दुनिया घूमती रहती है, कोई माल देगा कोई कुछ देगा। अब दुकान लगाने का सबको राइट है, कौन कहाँ से माल कमाता है, कहाँ से माल लाता है, सबको राइट है। अब बिहार की जनता को ही सब मूर्ख समझ ले और सब ठगने ठगाने आ जाए। पप्पू यादव जी, बहुत देर से हम आपको सुन रहे थे और बहुत दिन से आपको जानते हैं, बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। जो आप इंडिपेंडेंट से लेकर के पार्टी तक का जो है आपने सफर किया, अभी आप जो अपनी पार्टी को जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा कहना ये है जो हम ये देखते हैं बार बार जो तेजस्वी यादव पे आप कटाक्ष करते हैं, उसके अलावा विपक्ष के जो भी लोग हैं या कांग्रेस के जो भी लोग हैं उन्हें आप कुछ नहीं कहते हैं, मुझे तो समझ क्या होगा, मुझे तो समझ में नहीं आता हम काहे का किसी पर पटाक्ष करेंगे। उनके पिता ने उन्हीं को विपक्ष का नेता और डिप्टी सीएम बनाया ना,
80 लोगों की जिम्मेदारी उन्हीं की थी ना, तो जिम्मेदारी से कोई भागेंगे? लोकतंत्र का मतलब विविधताओं से भरा हुआ है। तो आप मुख्यमंत्री को बोलिएगा, टीम को बोलिएगा, टीम के नेता को बोलिएगा, किसको बोलिएगा? हम तो किसी के बारे में बोलते नहीं। कांग्रेस के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस को जल्दी से सुबुद्धि दे। बिहार की जनता कांग्रेस के निर्णय को देखना चाहती है, सही निर्णय ले। यदि आज भी भुरुकवा के तरह नहीं होगे, प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े डेमोक्रेसी के गैम्बलर हैं, बहुत बड़े लोग हैं, वो कभी जो जीता सो सिकंदर। पप्पू यादव जी गठबंधन करने जा रहे हैं या अकेले लड़ने जा रहे हैं चुनाव? मुझे तो समझ में नहीं आता है। अभी जो देश की हालात है जून जुलाई में, और जो कह दिया सिसोदिया ने, और जो भूख और लोगों की स्थिति होगी, पहले आप चर्चा उस पर ना करिएगा। हम कोनो मंदिर में घड़ी घंट डोलाने के लिए नहीं ना बैठल है। चुनाव भी होगा, चुनाव भी लड़ेंगे, सरकम टांसेस और परिस्थितियों पर क्यों? जब जनता से गठबंधन मेरा हो चुका है, दिल से हो चुका है, जब हम दोनों मोहब्बत कर चुके हैं, ये भी कहते हैं धोखा भी मिल चुका है कई भैया। आप माँ को कभी कभी, मैं तो कभी कभी, मैं इस बात का, हो सकता है माँ अपने बच्चों को समझने में दिक्कत कर गया हो, तो माँ की आंखें, माँ की दूध माँ को परेशान कर देती है। आप कहने क्या कुछ होगा, ये समय पर डिपेंड है। निश्चित रूप से एक बड़ा मजबूत विकल्प और संकल्प के साथ हमारे साथ पप्पू जी, दो सवाल आए हैं और अच्छे सवाल, सवाल कई आ रहे हैं, लेकिन मैं उन्हीं सवाल को ले रहा हूं जो लगता है कि हमें लेना चाहिए। शुभम कुमार शंकर हैं, वो पूछ रहे हैं क्या गारंटी है पप्पू यादव के सीएम बनने पर बिहार का डेवलपमेंट होगा? बिहार के आदमी को ना पढ़ने ना नौकरी करने बाहर नहीं जाना होगा? मतलब दो सवाल है। मैं शुभम जी से आग्रह करूंगा, यदि आप वो पप्पू यादव के कैरेक्टर को, चरित्र को जानते हैं, मेरे लिए भाई की तरह है, मेरा वो ब्लड होंगे। सही उसने, उनका प्रश्न सही है, डर तो भर ही दिया है 30-40 सालों में, तो जो शंका और जो विश्वास का संकट है, और जब आप उस पूरे बिहार के युवाओं की उम्मीद और सपनों को पैर के तले रंगो दिया, यादव पर क्यों भरोसा करेंगे भाई? हम क्या दूध के धुले हैं? हम क्या वोट हमको नहीं मिले? लेकिन उनको एक बात समझ में आनी चाहिए, पूरी दुनिया में सेवा आश्रम पप्पू यादव, जहाँ 14 करोड़ लोगों का इलाज होता था, उन्होंने पप्पू यादव को बाढ़ में भी, पप्पू यादव को पटना में भी, पप्पू यादव को नियोजित में भी, यूपीएससी में भी, बीपीएससी में भी, पप्पू यादव को सदन में भी, पप्पू यादव को डीएड में भी, एसटीटी में भी, पप्पू यादव को संविदा में भी, पप्पू को ममता में भी, पप्पू को आशा में भी, पप्पू को किसी मर्डर में भी, पप्पू के न्याय में भी। जब हम हर व्यक्ति को 150,000 रुपया से कम आज तक मदद करने में पीछे नहीं रखे, जब हम हर संकट में अपनी जिंदगी को दांव पर लगाए, तो हमको बताएंगे ना वो? हम तो आज एमपी एमएलए नहीं है। हम आज एक साल से हमको हरा दिए गए। मधेपुरा के लोगों को हम पसंद नहीं आए, या हमसे क्या गलती हुई? हमसे भूल हुई होगी, हमने भूल करने की कोई कोशिश नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबसे अच्छा तो नहीं समझ सकते। मैं इतना कहूँगा, भात के एक हंडी के एक चावल से पता चलता है भात पक गई, उसके लिए पूरा भात को घेटम घीट करने की जरूरत नहीं है। यदि पप्पू यादव पर ट्रस्ट हो इस यूथ को, तब आगे आए, ना ट्रस्ट हो तो निश्चित रूप से खुद एक बेहतर लीडर बनके बिहार को इन 30 साल के कुकर्म, महाविनाशी और इन दुराचारियों से, रावण और कंस से बचा ले। देवाशीष हैं हमारे साथ, देवाशीष आपके क्या सवाल हैं पप्पू जी? बिल्कुल पप्पू जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, आप हमारे आज न्यूज रूम में आए हैं और बहुत देर से आप खड़े, मैं चाहूंगा धन्यवाद जी, अब आदत हो गई है। मेरा सवाल है, हमने अपने जो कमेंट बॉक्स है उसको खोल कर रखा है और बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा उसमें जो कमेंट आ रहे हैं वो है आपके बिहार के मुख्यमंत्री बनने के। मेरा सवाल आपसे यही है और सच्चे दिल से उसका जवाब दीजिएगा। आप जिस तरह से आरजेडी पर परिवार बात का सवाल कर रहे हैं कि परिवार का वो सरकार है या फिर और पार्टी पर मैंने सुना है, तो जाप का मतलब सिर्फ पप्पू यादव है सर? परिवार का नाम सुने कोई मतलब है? अब देश में परिवारवाद का कोई राजनीति बची है? वंशवाद का, परिवारवाद का, अपराधवाद का। ये अपराध, परिवार, वंश अब राजनीति की सबसे पहली लाइन हो गई है, पंक्ति हो गई है। वो नहीं होगा तो अब राजनीति नहीं हो सकती।
राजनीति का मतलब ही है कंप्लीट रूप से ऐसे लोगों की राजनीति में लाओ जिसके पास 100 करोड़ रुपये हों, चाहे वो लूट के लाए हों, कूट के लाए हों, और जो वो अपराधी हो लेकिन अपने जात का आइकॉन हो, अपने धर्म मजहब का आइकॉन हो, अपराधी हो तो हो, जात उस पर ट्रस्ट करता हो। तो पॉलिटिशियन को सत्ता चाहिए, सीट चाहिए, उसको अपराधी, माफिया, परिवार चीजों से मतलब नहीं है, और जनता को भी मतलब नहीं है। जनता को सुनिए ना, मेरी बात कही, अपने जात की बात कही, अपने जात, मेरी बात सुन लीजिए, अपने जात की बात कही। बिहार में हमेशा यही होता है कि सत्ता आता है तो जातिवादी हो जाता है। आपने पहले जो पूछा उसका सवाल ले लीजिए, मैं आपको बहुत क्लियर आपको बता दूं कि मैं ऐसी आलोचना नहीं करता। मैं आलोचना करता हूं जब मौका और अवसर मिला आपको, और कई अवसर परिस्थितियों ने दिया, इस निकट भविष्य में दिया, तो आपको महानायक बनना चाहिए, आपको निकलना चाहिए था जात धर्म मजहब की, आपकी उम्र कम थी, आप हीरो होते, आप सबके ट्विटर बॉय, कई तक कई चीज़ आजकल प्ले बॉय सब हो जाता है दुनिया में, मत पूछिए, बड़ा तबाह है। इस लॉकडाउन में 96% लोगों ने पोर्न देखा है। क्या हाल होगा इस भारत का मैं नहीं जानता, ये आपके नेट पर है, हमने उसके जब हम बोलते हैं तो उसको मैं निकाल के देखता हूँ कि यह देश क्या कर रहा था, ये देश मर रहा था, क्या कर रहा था, वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। इसलिए आप जहाँ तक जाप का या चीज़ों का सवाल है, मैं एक पार्टी का एक वर्कर हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं सुभाष चंद्र बोस और आनंद मार्ग स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो हम लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने जात पात नहीं देखा। हमारी शादी, मेरी फैमिली इंटरकास्ट मैरिज पहले एक यहाँ जानी। दूसरी चीज़, जात पात सभी जगह है लेकिन स्थिति मैंने पहले ही कह दिया है कि बिहार अभी तक ऐसे घोर संक्रमण के संकट में, दलदल में फंसा हुआ है। खास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो यूथ है, गरीब को तो ये समझता है कि 500 रुपये पर हम वोट खरीद लेंगे, यूथ को समझता है कि इसके सेंटिमेंट और इसके भावनाओं में उलझाओ और उस सेंटिमेंट और भावना में हिंदू मुसलमान या ऐसी चीज़ें करके आप वोट लो। अब किसान तो बेचारा है, कंप्लीट रूप से उसका कोई संगठन नहीं है, इसलिए वो जात बना हुआ है। तो बिहार का नाश, 15 साल गठबंधन, अकेले यदि इतना बड़ा विकास पुरुष है ये लोग, तो औकात क्यों नहीं होता है अकेले लड़ने की नीतीश कुमार की और बीजेपी की। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ट्रेन 12 दिन में आएगा, मोदी है तो मुमकिन है, नेपाल औकात दिखाएगा, मोदी है तो मुमकिन है बांग्लादेश चढ़ जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है लेह लद्दाख में ढुक जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है मजदूरों का कानून फिनिश्ड हो जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है 18 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएगा, मोदी है तो मुमकिन है 3-4 महीना में 40 करोड़ लोगों के घर में खाना नहीं बनेगा। ये तो दुनिया के अर्थशास्त्रियों ने कहा है। अब इन लोगों को तो मुझे समझ में नहीं आता है, जिसको वार्ड सदस्य नहीं होना चाहिए वो क्या क्या हो गया इस देश में। अब बोलिए ना क्या होगा, इकोनॉमी को नहीं देखोगे आप, भारत के सामाजिकता को नहीं देखोगे, जीवन जीने की पद्धति को नहीं देखोगे। दोस्त जापान थे क्या, हम सिडनी थे, हम इंग्लैंड थे, हम जर्मनी थे। और मोदी जी मैं आपको सलाह देता हूं, अविलंब आप 2 सप्ताह के अंदर 40 करोड़ रुपया कम से कम नया करेंसी लाइए और भारत के लगभग 85% यूथ और मजदूरों के अकाउंट में 40-40 हजार रुपया दीजिए। जिस तरीके से अलग देश ने किया है, 20 लाख करोड़ की इकोनॉमी नया लाया है, क्यों आप नहीं ला रहे हो? पूंजीपति को देने के लिए आपके पास इकोनॉमी होगी, नोटबंदी और जीएसटी पर नया रिफॉर्म होगा। जब भारत तबाह कर गया तो आपको 20 लाख करोड़ रुपया लाने में परेशानी है, लाओ नया करेंसी और बचाइए भारत के यूथ को और किसान को। तो इसीलिए आप हम ही को पूछ रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने मियां मिट्ठू बन जाए, हम क्या कर रहे हैं? हर नेता का तो चाहत होता है, किसका हर नेता का चाहत होता है? सर मेरा चाहत सुभाष चंद्र बोस आइडियल है मेरा। कब तक मदद करते रहे? मरू ना, कब तक मदद करते? मरू तो मरू ना जिस दिन सुभाष चंद्र बोस के आइडियल पर मरू। मेरा आइडियल वही है,
अच्छा मेरे और आइडियल दुनिया में मेरे पप्पू जी मेरे और एक सहयोगी हैं इस वक्त विजय विकास, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। विजय पप्पू जी, आप लगातार सेवा की बात कर रहे हैं, नो डाउट आप जनसेवक हैं, निर्वाचित रहे हैं या ना रहे हैं, आप जनता के बीच सेवा करते रहे हैं हर विपदा की घड़ी में। कल रात से खबर तैर रही है कि आप पटना के कुम्हरार विधानसभा से चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त किए हैं। समाज शास्त्र के बिना राजनीतिक शास्त्र क्या है, ये सच खबर है? पहले हम ये पहले हम पूछे ना, समाज शास्त्र हम पढ़े, हम साइकोलॉजी के विद्यार्थी हैं, हम बिहार की तरह लिखलोड़ा पर पत्थर नहीं है, हमको दुनिया का पता है। मानवतावाद के बगैर राष्ट्रवाद और देशवाद का क्या मतलब? अब चुनाव लड़ेंगे ना, हाँ कहीं से तो लड़ेंगे ही ना, तो कुम्हरार से जाके चल जाए मंदिर, तो कुम्हरार फाइनल है भैया, गजब बात कर रहे हो, तो वही जवाब दीजिए। हाँ नाम है मैंने माए मौसी जिए माए मरे मौसी मासी माँ मासी, तो आप हमको बताइए सर, आप क्लियर कर दीजिए ना भैया, मैंने जबरदस्ती क्लियर करा दीजिए, वो हम खत्म कर दीजिए कि नहीं इससे कोई चर्चा नहीं है भैया, हमको तो समझ है, मैंने हम हाँ या ना अगर आप चाहेंगे तो आप नहीं, क्या ऐसा नहीं होता है। आप इतने जानिए राजनीति में कोई हाँ ना नहीं होता है, ठीक है पप्पू, राजनीति में हाँ ना चलता रहता है, पहले ये समझिए। मेरे लिए कंपनी मेरा सीमांचल है, पूर्णिया कटिहार अररिया किशनगंज, और मेरा माँ की धरती है मधेपुरा खुर्दा कुमारखंड सहरसा सुपौल, और मेरी मौसी है मगध मिथिला इधर इलाका, तो मौसी माय में नहीं कहे तो भैया, यदि मौसी को लगेगा कि नहीं हम गोद ले लेते हैं, ठीक है सर, बहन के बेटा के, ठीक है सर मौसी को लगेगा, मौसी गोद ले लेगा सर, ठीक है मौसी को लगेगा तो गोद ले लिया जाएगा, लेकिन एक बात आप बताइए, माँ के घर से भी आप ही चुनाव लड़ेंगे, मौसी के घर से भी आप ही चुनाव लड़ेंगे, मामा के घर से भी आप ही चुनाव लड़ेंगे, पप्पू यादव ही हर सीट से क्यों चुनाव लड़ेगा? अगर लोकसभा की बात करें तो हम लड़ेंगे तो सर नया उम्मीदवार दिखता भी नहीं ना है, जाप मतलब पप्पू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पप्पू यादव, प्रदेश अध्यक्ष खुद, अगर आप पब्लिक ओपिनियन करवा लें तो 100 में से 50 आदमी को नहीं पता है पप्पू यादव के अलावा दूसरा क्यों? पहले तो आप ये समझिए कि जाप का पता इस देश के आपको शायद सोशल मीडिया पर नहीं जानते, हम हैं। जानते हैं जाप मतलब पप्पू यादव, सिंपल क्लियर है, तो हमेशा याद रखिएगा, तो आपका भी उम्र कम है, जयप्रकाश और लोहिया से समाजवाद, लालू से राजद, अटल अडवाणी से बीजेपी, आज नरेंद्र मोदी से बीजेपी, नीतीश से नीतीश के अलावे सब गोबर गणेश, पूरा जदयू गायब, लालू यादव गायब, राजद गायब, तो आज यदि किसी विचारधारा से कोई संस्था बनती है, यदि पप्पू यादव एक विचारधारा है तो संस्था उसी से बनेगी, जाप उसमें बहुत सारे रघुपति हमसे बड़े बड़े स्टॉलवर्ड लीडर हैं, जाप में रघुपति बाबू जेपी के साथ, अखलाक भाई बुलगानी जी बहुत बड़े बड़े एमएलए एमपी रहे हुए लोग हैं, हमसे बड़े स्टॉलवर्ड, हम तो बहुत लो प्रोफाइल और बिना मतलब बहुत छोटे सेवक हैं, हम तो एक गरीब की तरह जो दुनिया में शायद जो सबसे अंतिम व्यक्ति को जितना अहंकार नहीं होगा उसके पैर की धूली हैं हम। दूसरी चीज बात जहां तक रही, मैंने ऐसा कुछ नहीं कह दिया, लेकिन अधिकार तो हमको दो जगह से लड़ने का है ही ना, एक कानून तो इजाजत देती है ना, लेकिन हमको एक बात जरा आप समझा दीजिए, जब हमको इजाजत देती है दो जगह से तीन जगह से लड़ने का एक जगह से लड़ने का, तो बिहार मेरा है ना, मैं बिहारी हूँ ना, बिहार की जनता मेरे लिए पूरी माँ की तरह है, जब हम देश भर में सबको अकाउंट में डाले पैसा, इलाज हम देश भर के लोगों को कराते हैं। जी आपने मधेपुरा में भी लोगों का सेवा किया है, पटना में यहाँ पे जब जलजमाव हुआ था वहाँ भी सेवा किया है, हम ये माने कि आप जहाँ पर सेवा किए वहाँ का मेवा आप ही लेना चाह रहे हैं, आप अपने समकक्ष दूसरा पप्पू यादव को अपने ही पार्टी में क्यों नहीं खड़ा करने देना चाह रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता है, मेवा का पता है आपको, स्वाभाविक है आप काम किए तो उसका फल आपको मिलेगा ही है, मैंने अपनी जिंदगी का इस बार भी 12 करोड़ रुपया गए हैं लोगों के पास और अपना घर और जमीन बेच के, हमको कोई दिया नहीं, हम नरेंद्र मोदी की तरह गुजरात छोड़ के बनारस नहीं आ गए, दिखता है सर सुनिए ना, हम नरेंद्र मोदी की तरह बनारस नहीं आ गए, 1% अकाउंट में नरेंद्र मोदी आज तक दिया होगा, लालू यादव के तरह गोपालगंज छोड़ करके मधेपुरा और राघोपुर नहीं चले गए, नीतीश कुमार के तरह हम बाहर नहीं चले गए नालंदा छोड़ के, हम मधेपुरा पूर्णिया मेरे लिए काफ़ी है और मधेपुरा पूर्णिया जिंदगी है, लेकिन पटना जिसको मैं बेइंतहा मोहब्बत किया हूँ,
मैंने दर्द देखे हैं, मैं उस पागलपन मोहब्बत के साथ आपकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। और जहाँ तक मेवा का सवाल है तो फिर मैं आज एक बात आपको बता दूं, पटना के बाढ़ में कंठ से ऊपर पानी जब लाश और सुगर तैर रहे थे तो सिर्फ अकेला पप्पू था। कोरोना में किसी की बीवी बाप बेटा नहीं निकला, ना किसी की बीवी और किसी का बाप अपने बच्चे को निकलने दिया, ना कुत्ता निकला। उस कोरोना के मौत के सामने अकेला पप्पू यादव था। तो जिसको मौत का डर नहीं वो मेवा की कल्पना नहीं करता है, एक। दूसरा, मैं अवार्डेड एमपी हूं 3 बार, क्वेश्चन दुनिया में सबसे ज्यादा और डिबेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा। तीसरा, ईमानदारी का अवार्ड मिला हुआ है, ना दिल्ली में घर ना पटना घर। बाप का बेचो और विचारधारा का जो देश है उसमें सबसे ऊपर होता है जनता, उसके लिए जियो, बस इतने हैं। पप्पू जी, आप जो बात कर रहे थे माँ और मौसी की, उसमें आपने स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जो भी राजनीति को समझते हैं या जो भी इन चीज़ों को समझते हैं वो समझ गए कि आपका जवाब क्या है। मैं अब उस पर आऊँगा नहीं, क्योंकि ये सवाल आ रहे थे। विजय ने जो सवाल किया कि आखिर पप्पू यादव कहाँ से लड़ेंगे, वो सवाल कई जगह आ रहे थे, लेकिन अब जो सवाल आ रहे हैं मैं जल्दी जल्दी आपसे सवाल करना चाहता हूँ। लेकिन उससे पहले एक बेतिया से लड़ने वाले लेकिन उससे पहले लोकसभा खाली है, लेकिन उससे पहले उपेंद्र हैं, उस वो एक सवाल करना चाहते हैं, उसके बाद मैं जल्दी जल्दी सवाल लूंगा, क्योंकि हाँ उपेंद्र बताइए। पप्पू जी से मेरा एक सवाल है कि बिहार की जनता की समस्या आप करीब से देखे हैं, और बिहार में 15 साल से गठबंधन सरकार है, और बहुत सारे सेक्टर में नीतीश सरकार कुछ काम भी नहीं किए हैं, जनता का गुस्सा भी है, इसके बावजूद भी गठबंधन सरकार बार बार जीत जा रही है, इसका मेन कारण क्या है? या तो विपक्ष मजबूत नहीं है या और कोई कारण है, इसका मेन कारण क्या है? खैरात पन सटेगा, ट्रेन फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, वाई फाई फ्री, खैरात। आप जरा हमको बताइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। 6,000 नियोजित शिक्षा का तरखा था, लाठी गोली खाया, चुनाव के 3 महीना पहले 9,000 कर दिया, सब वोट दे दिया, पोषाकाहार 7 क्लास पार नहीं की बेटी, साइकिल पोषाकाहार दिखा करके वोट ले लिया, एजुकेशन 9.2, साक्षरता लगभग यहाँ पर 57, एजुकेशन है नहीं, उसके बाद निरक्षर है। किसी एक विभाग में काम बताओ ना, 3 हिस्सा बाढ़, मिथिला कोसी सीमांचल, 1 हिस्सा सुखाड़, बेतिया मोतिहारी से लेकर के नेपाल का बॉर्डर, आपने 15 साल में बाढ़ पर काम करते देखा? आपने नदियों पर काम करते देखा? आपने दूध पर काम करते देखा? लघु और कुटीर उद्योग पर काम करते देखा? मक्का पर काम करते देखा? कोल्ड स्टोरेज है? मार्केटिंग खत्म नहीं हो गई? बाजार समिति थी ना, क्या हुआ, क्या हुआ मार्केटिंग का? किसान कहां जाएंगे? एक चीज बताइए ना, नीतीश कुमार किस पर काम किया? जो पटना की जिंदगी नहीं बना सकी, 40 साल पहले जहां पर बरिश्ता और सीसीडी लगा, 40 साल बाद बिहार में आता है, पटना में पति पत्नी भाई बहन एक दोस्त अच्छे जगह बैठ नहीं सकता, बस लूट, गठबंधन की सियासत, फेयर राजनीति। तो हिम्मत क्यों नहीं है नीतीश कुमार को अकेले लड़ने की? लड़ लेते अकेले? नहीं पप्पू जी, बिहार में अच्छा आदमी है तो अकेले लड़ो। बिहार में अकेले लड़ने की शक्ति किसी के पास है? मैं सिंपल अब जल और चाहूंगा आप जल्दी जल्दी इसका जवाब भी दे। और क्या वाकई आपको लगता है कि बिहार में जिस जात की बात आप कर रहे हैं या जिस गठबंधन की राजनीति की बात होती है, बिहार में कोई ऐसी ताकत है जो अकेले दम पे चुनाव में जाए और कम से कम इतनी भी सीट ले आए कि जो किंग मेकर की भूमिका में? हाँ है, जनता के पास, जनता तय कर ले, 30 साल हिंदू मुसलमान किए ना, फिर आगे कर लीजिएगा। एक बार बिहार और बिहारी के लिए जनता खड़ी हो सकती है औकात, यह जनता के भीतर औकात है। बहुत बार काट की हंडी हमेशा नहीं चढ़ती, बहुत बार ठगे गए, देखा है, डिप्टी सीएम भी देखा, सीएम भी देखा, 15 साल पहले भी देखा, 15 साल बाद भी देखा, पिता को भी देखा, मां को भी देखा, डिप्टी
सीएम सुशील को भी देखा, भाजपा को भी देखा, जदयू को भी देखा, विशेष पैकेज को भी देखा, विशेष राज को भी देखा, हर चीज को देखा। अब अपनी जिंदगी बनाना चाहता है बिहार, इसलिए बिहार जब दुनिया का इतिहास बदल सकता था, मगध के अर्थ से लेकर के बुद्ध और नानक, कबीर, विश्वामित्र, सीता, समाजवाद, सुन, आर्यभट्ट, बाबू वीर कुमार सिंह, विद्यापति कवि, राष्ट्रकवि दिनकर, दुनिया का इतिहास उठा के देखो, गांधी, जेपी, लोहिया, तो जब दुनिया को बिहार को बदलने की ताकत थी, आज सभी लोगों ने जहर में पैदा किया। यदि यहाँ के बौद्धिक लोग, यहाँ के लॉयर, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के डॉक्टर यह तय कर ले यहाँ की महिलाएं और बेटी, बिहार बदलना है, कौन क्या बने अभी छोड़ो, पहले बिहार बदलने की तैयारी एक बार करो। 30 साल कम नहीं होता, 30 साल आपने गठबंधन को देखा है, एक बार फिर आप देख लेना, जब 30 साल के बाद भी आप गोबर पर घी डालने को तैयार हो जात पात के नाम पर, मतलब एक बार महागोबर पर घी डाल के देखो। मतलब एक बार आप कह रहे हैं कि एक बार बिहार की जनता इन सब चीजों पे ऊपर उठ के किसी आप पे भरोसा करे, या उनको जो लगता है कि उनके लिए उनको, उनको उस पे भरोसा करना चाहिए जिन पर उनका दिल करे, जिन पर ट्रस्ट करे, जो उनके बेटे और सेवक की तरह हो, जो अंतिम व्यक्ति को मुख्यमंत्री और राजा की तरह, भगवान की तरह सम्मान करे, जो इस राज का मुखिया हो, इंस्पेक्टर राज ना हो, कलेक्टर राज ना हो और गुंडा राज ना हो, मिठिया मीट कर दिया, उस पर ट्रस्ट। दो सवाल आखिरी आपसे, क्योंकि काफी देर आपसे बात हुई, दो सवाल। चलिए, आप एक तरफ विपक्ष को भी नकार रहे हैं और एनडीए को भी नकार रहे हैं, क्या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं या छोटे सोच शक्ति हैं, क्योंकि आपकी मुलाकात कई बार जीतन राम मांझी से भी हुई है, तो ये सब जो हैं तिकरी हैं और लगातार ये लोग मीटिंग भी कर रहे हैं, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी, क्या जो छोटे छोटे दल हैं या लगता है कि ये एक बड़ी ताकत बन सकते हैं साथ में आने के बाद, उनसे भी पप्पू यादव साथ में आ सकते हैं या उनसे भी परहेज है? एक और एक दो तो होता ही है, एक और एक 11 भी होता है, और एक और एक एक भी होता है, जोग का मतलब जोगा मना कर्म अवस्था, एक का एक एक, पॉलिटिक्स का एक और एक 11, और गिनती का एक और एक दो। हर आदमी की औकात है, हम तो उनके सामने बहुत छोटे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, जात उन लोगों के पास है, हमारे पास तो जातों नहीं है, सच्चाई है, हम अपनी सच्चाई को क्या करें, झुठला दें, पागल हैं हम, हमको तो जातों ने जात मानता है, कहता है नहीं लालू यादव जात है, तो लालू यादव को तो 15 साल देखे, ऐसा ना मत, एक बार कृष्ण के जात को देखे, कई यादव के कमेंट आ रहे हैं आपके पॉजिटिव, भैया हमको तो यादव के कमेंट से क्या मतलब, मेरा कमेंट तो वैचारिक यूथ देना, मेरा कमेंट जिसके भीतर जात धर्म मजहब का नहीं है वो कमेंट हमको अच्छा लगेगा, यादव टाइटल से कमेंट आना हो सकता है कि उनको मैं गर्व के लिए गर्व का विषय होगा, उनकी सोच है, सब जिस तरीके से आपने चीज़ों को परोसा है वो उसके लिए गर्व का विषय होगा, उन पर मैं खड़ा उंगली नहीं खड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या पसंद है ये मुझे ना देखना तय करना है, तो मैं तो कमज़ोर आदमी हूँ, मैं तो बिहार का सेवा के रूप में काम करना चाहता हूँ, मैं तो जमात के साथ चलना चाहता हूँ, मैं तो बिहार और बिहारी के साथ जीना चाहता हूँ, मैं जात या हिंदू मुसलमान करके जीने का मेरी चाहत कहाँ है, मैं तो चाहता हूँ एक बार बिहार का जय जयकार हो, एक बार बिहारियों का जय जयकार हो, कैसे होगा, मैं एक बार चाहता हूँ नालंदा, एक आखिरी सवाल, मैं एक बार चाहता हूँ नालंदा और गोपालगंज में जो जन्म लिए उससे निकलकर मिथिला कोसी सीमांचल मगध का इतिहास दिखे, इन लोगों से निकले, क्या हमेशा कोसी सीमांचल का इस्तेमाल किया इन लोगों ने, मिथिला का इस्तेमाल किया, बहुत लंबे समय हो गए, यदि एक बार कोसी सीमांचल मिथिला खड़े हो गए ना, और कह दिया नहीं बेटा एमएलए एमपी नहीं, जात नहीं, तो इतिहास बदल जाएगा। एक आखिरी सवाल पप्पू जी, जिस इतिहास की आप बात कर रहे हैं, एक आखिरी सवाल, और अगर पप्पू यादव को बिहार की जनता मौका देती है, जाप को मौका देती है या पप्पू यादव की बेहतर भूमिका बातें हैं, पहले 5 काम जो पप्पू यादव के द्वारा बिहार की जनता को गिफ्ट किए जाएंगे या पप्पू यादव सेवक बन के वो काम करेंगे? फर्स्ट, 72 घंटे के अंदर अपराधी रहेंगे या तो जेल जाएंगे,
और 3 महीने के अंदर या तो सूटन साइड या तो फांसी। सेकेंड, कलेक्टर राज, इंस्पेक्टर राज, नेता राज, गुंडा राज, माफिया राज, फिनिश्ड। थर्ड, हेल्थ और एजुकेशन, हेल्थ फ्री, एजुकेशन किसी भी कीमत पर बिक्री कर नहीं होगा, शोषण नहीं होने देंगे, हेल्थ जांच फ्री करेंगे, हेल्थ पर पूरा अल्ट्रासाउंड सीटी अथी सीटी स्कैन MRI फ्री होगी, कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट का इलाज 2 बीघा से नीचे जिसके पास भी जमीन होगी उसकी फ्री होगी। प्राइवेट हॉस्पिटल में जी नहीं, मैं उससे बेहतर हॉस्पिटल दूंगा, फ्री होगी। अच्छा। और हॉस्पिटल में 30% लोगों का इलाज करना पड़ेगा, ठीक। चौथा चीज, हर परिस्थितियों में बाढ़ से मुक्ति, वृद्धा पेंशन, निःशक्त पेंशन, जितना पेंशन उसको 3,000 करेंगे, 18,000 रुपया सालाना किसान के अकाउंट में जाएगा। यूथ को रोजगार नहीं दे सकेंगे तो मिनिमम 9,000 रुपया उसको जाएगा, और मजदूर को हम मजदूरी नहीं दे पाएंगे तो 6,000 रुपया मंथली हम देंगे, याद रखिएगा इस बात। और मैं ये एफिडेविट करके आऊंगा लड़ने, मैं अगस्त में ही अपना मैनिफेस्टो दूंगा, मैं ये करूंगा। रात के 12 बजे बेटी निकलेगी, बाजार 11 बजे तक खुलेंगे, राम राज और अकबर राज होगा, दुनिया मेरे पर्यटक स्थल को देखने आएगा, दुनिया मांस पान मखान धान दूध और फल का बिहार बनाएंगे, मक्का दुनिया का इतिहास लिखेगा, ये मैं वादा करता हूं। भरोसा रखिएगा, जिन 40 सालों में नदियों को और पानी को अभिशाप बनाया नेताओं ने, मैं वरदान बनाऊंगा। चलिए, पप्पू यादव थे हमारे साथ, कई सवाल हुए, मैंने भी किए, हमारी टीम ने भी किए, और पप्पू यादव ने बेबाकी से उनके जवाब दिए। ये बिहार बदलने की बात कर रहे हैं, 30 साल आपने NDA को दिया, राजद गठबंधन को दिया, एक बार मौका बिहार की जनता मुझे दे, अगर मैं जिस सपने को जी रहा हूं, अगर वो पूरा नहीं कर पाया हूं तो उसके बाद डिसीजन लेने का आपका हक है, लेकिन मौका पप्पू यादव जरूर मांग रहे हैं। और जो सोच है वाकई काबिले तारीफ है, अगर ऐसा बिहार हो, वो ऐसा बिहार किसको नहीं चाहिए, ऐसा राज किसको नहीं चाहिए। तो पप्पू यादव अपनी बात कर रहे हैं, डिसाइड जनता को करना है। हम पप्पू यादव को इसलिए आज अपने बीच लेकर आए थे क्योंकि पप्पू यादव लगातार काम कर रहे थे लोगों के बीच में, और कई सवाल थे जो जनता के भी थे, जनता के सवाल भी हमने लिए, अपनी टीम के भी सवाल लिए, पप्पू यादव ने जवाब दिया है, अब डिसाइड आपको करना है। फिलहाल के लिए देखते रहिए और बने रहिए SD News के साथ।